हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम आईएएस यूट्यूब चैनल. दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस. विद दिस लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर वेयर वी विल बी डिस्कसिंग दीज आर्टिकल्स. आई विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट आज हम क्या कवर करने वाले हैं सो दैट यू हैव एन आइडिया इन योर माइंड कि आप जो अपना आधा घंटा यहाँ दोगे उसमें आप क्या कवर करोगे. प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है आर्टिकल. सो लेट्स टॉक. पहले मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज़ दी होल इंडेक्स. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में पढ़ेंगे, क्यों न्यूज़ में है, कॉन्टेक्स्ट आई शेयर जब आएगा आर्टिकल. बट उसके विद रिस्पेक्ट टू ये आपके पेपर 2 से भी इम्पॉर्टेंट है, 3 से भी इम्पॉर्टेंट है, तो प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, ये मिशन क्या है, एवरीथिंग. निशी ट्राइब कहाँ की ट्राइब्स हैं, इनका पूरा रहन सहन सब देखेंगे, आपके प्रिलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन हैं, अभी क्या ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज के साथ क्या क्या चल रहा है, और फॉरेन ट्रेड ज़्यादा हमारा किस में होता है, क्या हम ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं, स्टैट्स बेसिकली यहाँ डेटा ज़्यादा होगा. पेपर 3 में बहुत ही यूजफुल होगा आंसर राइटिंग में, सो डेफिनेटली नोट इट डाउन. स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, सो वाई इट इज़ इन न्यूज़, विल टॉक अबाउट इट प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर 2 से भी. ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इंडियन एक्सप्रेस में देर वॉज एन आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इट. सो क्लाइमेट चेंज से वट आर द इकोनॉमिक रिपल्स, द इकोनॉमिक इफेक्ट्स, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इकोनॉमिक लैंडस्केप. मतलब क्लाइमेट चेंज से आपके एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज से आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, सर्विस सेक्टर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट होती है, राइट, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या दिक्कतें आती हैं. तो ये सारी डिस्कशन होगी क्योंकि हम इसको एक जो पहलू हम देख रहे हैं वो है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक एंगल ऑफ इट. ठीक है, तो ये आर्टिकल्स आज रहने वाले हैं. सेशन अच्छा लगे तो प्लीज डू गिव इट अ लाइक, यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो सो दैट वी हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली, लेट अदर्स नो अबाउट इट, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवन डन सो फार. जब भी सेशन आता है यू विल गेट द नोटिफिकेशन देयर इटसेल्फ. लेट्स बिगिन. गेल इंडिया लिमिटेड ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है अपना पहला 10 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. कहाँ पर? मध्य प्रदेश के विजयपुर में. तो जो ये प्लांट की इनॉग्रेशन हुई है अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में पढ़ना. ग्रीन हाइड्रोजन से आप क्या समझते हैं? मतलब वो हाइड्रोजन जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाए, कुछ ऐसा? बिल्कुल, देखो जीरो एमिशन हो इस हाइड्रोजन को बनाते टाइम. ये है आपका वाटर, इसकी करी हमने इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, हाइड्रोजन अलग कर लिया. जब आप ये इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, जो सोर्स आपको एनर्जी का दे रहे हो वो आ रहा है फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वेदर इट इज योर सोलर, विंड. तो मतलब एनवायरनमेंट में कोई एमिशन नहीं कर रहे हो, क्लीन है, तो ग्रीन है. ठीक है, क्लीन है तो ग्रीन है. और ये हाइड्रोजन जो आपको मिली दैट इज योर ग्रीन हाइड्रोजन. ठीक है, इसी के तहत सरकार ने इस मिशन लेकर आया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. इसका मकसद ये है कि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है, प्रोडक्शन या हो, यूटिलाइजेशन, आप ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट भी करें, उसके डेरिवेटिव्स का. तो मतलब यू वांट टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन. मतलब यू वांट टू मेक इंडिया लीडिंग ग्लोबल हब ऑफ इट्स प्रोडक्शन, यूज, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ इट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑल्सो, राइट. नाउ दिस मिशन हैज सेवरल कॉम्पोनेंट्स. साइट, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम. इस प्रोग्राम के अंदर इट इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव. जब मैं
इलेक्ट्रोलिसिस कर रही हूँ. सो जब आप हाइड्रो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, यू नीड इक्विपमेंट्स, राइट? इलेक्ट्रोलाइजर्स चाहिए आपको. सो देयर अंडर दिस मिशन फाइनेंशियल सपोर्ट इज गिवन टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन. सो इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स, इंसेंटिव फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन. सो फाइनेंशियल सपोर्ट इज गिवन टू एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इटसेल्फ, राइट? सो सपोर्ट इज गिवन टू एनहैंस द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दोज इक्विपमेंट्स ऑल्सो एंड द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ऑल्सो, बोथ वेज. Now there are certain additional components of this mission as well. Let's have a look. The mission will also support pilot projects in emerging end use sectors and production pathways. Basically, ye mission support karega उन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स को दैट आर इन न्यू एरिया जहां पर हाइड्रोजन कैन बी यूज एंड इन डिफरेंट वेज इट कैन बी प्रोड्यूस. सो मिशन विल सपोर्ट पायलट प्रोजेक्ट्स इन एमर्जिंग एंड यूज सेक्टर्स, ठीक है? नाउ देयर आर सर्टेन रीजंस दैट कैन प्रोड्यूस और दे कैन यूज लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन. सो हेयर अंडर दिस मिशन those regions that can produce, that can use, will be identified, will be developed as major centers for green hydrogen activities, green hydrogen hubs. ye mission create karega supportive policies. Policy framework, strong standards, rules, clear standards will be established to ensure there is safe and effective use of green hydrogen. The mission will facilitate collaboration between government and private sector also for research and development under strategic hydrogen innovation partnership. ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हो रही है. एंड अ कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम विल बी इंप्लीमेंटेड टू डेवलप नेसेसरी स्किल्स इन द वर्कफोर्स टू सपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री. तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होंगे ताकि ऑब्वियसली इस तरीके का वर्कफोर्स भी आपको मिले. दोज आर हैविंग दोज नेसेसरी स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिशन आउटकम्स जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो बाय 2030. क्या क्या चाह रहे हो आप? कि एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड every year, each year. This will involve adding about 125 gigawatt of renewable energy capacity in India. क्योंकि green hydrogen, अगर आप इतनी चाह रहे हो, green hydrogen कहाँ से आएगी? Solar energy, wind energy, तो energy capacity भी बढ़ानी पड़ेगी. ये बोला जा रहा है कि ये mission attract करेगा investment of rupees over 8 लाख करोड़ इन टोटल इन्वेस्टमेंट. सो 8 लाख करोड़ इन टोटल इन्वेस्टमेंट्स, 6 लाख नई जॉब्स क्रिएट करेगा. और क्या करेगा ये? इसके होने से फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कम होगा एंड यू विल सेव ओवर ₹1 लाख करोड़. नियरली 50 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस विल बी रिड्यूस्ड एनुअली. फंडिंग देख लो तो टोटल इनिशियल आउटले जो है वो है 19,744 करोड़ का टोटल, जिसके अंदर जो साइट प्रोग्राम बताया दैट विल टेक 17,490 करोड़, पायलट प्रोजेक्ट्स 1,466 करोड़, 400 करोड़ R&D के लिए और 388 करोड़ टुवर्ड्स अदर मिशन कंपोनेंट्स. कौन सी मिनिस्ट्री मैनेज करेगी पूरे मिशन को? कोऑर्डिनेट करेगी, इंप्लीमेंटेशन देखेगी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है? हाइड्रोजन सबको पता है, हाइड्रोजन इज अ वेरी सिंपलेस्ट एंड द लाइटेस्ट केमिकल एलिमेंट. थोड़ा साइंस की तरफ मुड़ जाते हैं हम. इट कैन बी स्टोर्ड, इट कैन बी यूज विदाउट कॉजिंग एनी पॉल्यूशन. एंड ग्रीन हाइड्रोजन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है. इलेक्ट्रोलाइजर्स, सो ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है? इलेक्ट्रोलिसिस से, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू स्प्लिट हाइड्रोजन water into hydrogen and oxygen. Electrolyzers are those devices that perform electrolysis. ठीक है जी.
ग्रीन हाइड्रोजन को ना हम एंड टू एंड ग्रीन कंसीडर करते हैं, क्यों? क्योंकि एक तो इट यूजेस वाटर एज द मेन रॉ मटेरियल, इट डज नॉट एमिट एनी टाइप ऑफ कार्बन, एंड थर्ड इट इज प्रोड्यूस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस. ठीक है, एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन? यू कैन यूज इट इन योर हीटिंग सिस्टम्स, इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इन योर फ्यूल सेल्स, इट कैन बी यूज टू पावर व्हीकल्स, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सो दीज ऑल आर इट्स एप्लीकेशंस. ठीक है जी, चलिए मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल. मैंने इसके पूरी डिटेल्ड एनालिसिस कर दी है, कहीं कोई डाउट हो डू लेट मी नो. बाकी एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आई हैव टेकन नाउ, आप मेंस में भी इसको यूज कर सकते हो. ठीक है, ट्राइब है निशी ट्राइब. हम क्यों पढ़ेंगे निशी ट्राइब के बारे में? क्योंकि एक महिला इसी ट्राइब से, शी मेड अ हिस्ट्री बाय बिकमिंग फिफ्थ वुमेन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम दिस ट्राइब टू स्केल माउंट एवरेस्ट. अ माउंटेनियर, अ क्रिकेटर, नेम इज काबा कियानो. ये बिलोंग करती हैं निशी ट्राइब से. तो इनके बारे में, निशी ट्राइब के बारे में पढ़ते हैं. अरुणाचल प्रदेश में दिस इज द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप. निशी, नई, नई मीन्स मैन एंड शी मीन्स बीइंग, सो इट रेफर्स टू अ सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग. ठीक है, एंड दिस निशी लैंग्वेज बिलोंग्स टू सेनो तिब्बतन फैमिली. इनका ओरिजिन थोड़ा डिस्प्यूटेड है. हालांकि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो अरुणाचल प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जैसे कामेंग, बके केसांग, कुरुंग कुमेंग, ऊपर सबनसरी, लोअर सबनसरी, यहाँ ये रहते हैं. एंड आसाम में भी नॉर्थ लखीमपुर, सोनितपुर जगहों पर ये कुछ जगहें हैं जहाँ निशी ट्राइब रहती हैं. इनकी जो पॉपुलेशन है दैट इज ऑफ अराउंड 3 लाख एंड दे मेक देम द मोस्ट पॉपुलस ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश. और साथ ही अगर इट इज क्लोजली फॉलोड बाय कंबाइंड ट्राइब्स ऑफ आदिज एंड गैलोज, जो 2001 के सेंसस के हिसाब से हुआ द मोस्ट पॉपुलस. कैसे इनका ऑक्यूपेशन, इनका जीवन यापन कैसे होता है, कैसी इनकी लाइफस्टाइल है? देखो, दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन, हंटिंग, फिशिंग टू सस्टेन देमसेल्व्स. Along with agriculture, ये जो tribes हैं they are experts in handicraft, weaving, cane and bamboo works, pottery, wood carving, carpentry, blacksmithing, काफ़ी इनका they are expert into it. अब 2011 के census के हिसाब से this tribe follow Christian 31%, Hinduism 29% and many still follow their indigenous Dhoni polo. Dhoni polo basically, आप लगा लो they worship sun and moon. Dhoni means sun and polo means moon. ठीक है, इनके कुछ फेस्टिवल्स हैं, आपको थोड़े से नाम ध्यान में रखने हैं. बूरी बूट, नेयोकम, लोंगते, तो ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो ये सेलिब्रेट करते हैं. एंड दे सेलिब्रेट एंड प्लीज द गॉड्स एंड गॉडेसेस ताकि एक अच्छी हार्वेस्ट हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो और प्रोस्पैरिटी हो. इस ट्राइब के अंदर पॉलीगैमी इज प्रेवलेंट. ठीक है, मतलब इट इज कॉमन फॉर ट्राइब ऑफ दिस मैन टू हैव मोर देन वन वाइफ. एंड अगर डिसेंट की बात करूं, सो दे ट्रेस देयर फैमिली लीनियज थ्रू, मतलब पैट्रिलिनियली ओनली, एंड दे आर डिवाइडेड इनटू सेवरल क्लैंस. कास्ट सिस्टम, देखो दिस सोसाइटी डज नॉट हैव अ कास्ट सिस्टम और अ स्ट्रिक्ट सोशल क्लास. देर इज सम सोशल डिस्टिंक्शन बट वो उनके बर्थ पे और ऑक्यूपेशन पे बेस नहीं है. वुमेन्स यहाँ पर दे आर हाईली वैल्यूड इन दिस सोसाइटी, मतलब उन्हें देखा जाता है एज अ सोर्स ऑफ पीस, प्रोग्रेस, प्रोस्पैरिटी. ठीक है जी, तो ये हो गया इस ट्राइब के बारे में. आगे बढ़ते हैं, पेपर 3 से जुड़ा आर्टिकल. इंडिया हैज रिकॉर्डेड अ ट्रेड डेफिसिट. द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, जिसकी आप बात करते हो, विद 9 ऑफ इट्स टॉप
10 trading partners in 2023-2024 according to the official data. I'll talk about countries as well. ट्रेड डेफिसिट पता है, जब आप देखो डेफिसिट क्या होता है, पापा ने दिए थे 100 रुपये, खर्चा कर दिया 150 रुपये। डेफिसिट क्या है, जब आप 50 रुपये का, जब आपने जब आपका एक्सपोर्ट इतना नहीं है और आपका इम्पोर्ट बहुत हो रखा है, दैट इज योर जो बचा, दैट इज योर ट्रेड डेफिसिट। व्हेन अ कंट्री इम्पोर्ट्स मोर देन इट एक्सपोर्ट्स, ट्रेड डेफिसिट विल अकर। 2023-24 के अंदर इंडिया हैड अ ट्रेड डेफिसिट विद 9 ऑफ इट्स टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स। इंडिया का टोटल ट्रेड डेफिसिट जो है दैट वॉज $238.3 बिलियन। ठीक है जी, टोटल ट्रेड डेफिसिट वॉज। चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो मैं आपको वैसे कंट्री वाइज बताऊं, ट्रेडिंग की बात करूं, हमारी जो मैं बात कर रही हूं, टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं हमारे, चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। जस्ट गिव मी अ मिनट। विद 118.4 बिलियन डॉलर्स ऑफ टू वे कॉमर्स 2023-24 में यूएस को भी सरपास कर दिया। मतलब काफी टाइम तक चाइना बना रहा, फिर बीच में यूएस भी हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, एंड स्टिल US now is the second largest trading partner with $118.28 billion. UAE third largest trading partner of India. Then you have Russia, Saudi Arabia and Singapore. तो जिस जिसके साथ हमारी जितने भी billion trade की deal होती है वो आपके सामने mentioned है figures, आप याद रख सकते हो। ठीक है, देखो जब हम foreign trade की बात करते हैं, इट इंक्लूड्स, वैसे मैं आपको वैसे बता रही हूँ, इट इंक्लूड्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इंडिया बाइज एंड सेल्स टू अदर कंट्रीज। 2018 में हमारा फॉरेन ट्रेड था दैट अकाउंटेड फॉर 48.8% ऑफ इंडियाज GDP। नोट इट डाउन। अगर मैं ट्रेड स्टेटिस्टिक्स की बात करूँ ना, 2022 में इंडिया जो है वो 15th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इन द वर्ल्ड और 8th लार्जेस्ट इंपोर्टर है इन द वर्ल्ड। जैसे मैं आपको बता रही थी 2013, 14, 17, 18, 15, 16, 17, 18, मतलब इन सालों में, और 2021 में चाइना टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है फॉर मल्टीपल इयर्स। चाइना से पहले यूएई वाज देयर। 2021-22 में और 2022-23 में यूएस वाज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं इतना, डायमंड्स, पैकेज, मेडिसिंस, ज्वेलरी, राइस, रिफाइंड पेट्रोलियम। ठीक है, मतलब रिफाइंड पेट्रोलियम आप लगाओ सबसे ज्यादा $86.2 बिलियन के आसपास। और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या है हमारी, यूएस, यूएई, नीदरलैंड्स, चाइना, बांग्लादेश। 2022 में ना इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रहा है ऑफ डायमंड्स एंड राइस, चावल और डायमंड, हीरा। क्या हम इतना इंपोर्ट करते हैं? रिफाइंड पेट्रोलियम हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्रूड पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं, कोल, गोल्ड, पेट्रोलियम गैस, डायमंड्स, और हमारे मेजर इंपोर्ट कहां से आता है, चाइना, यूएस, सऊदी अरेबिया, रशिया। 2022 में इंडिया वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल, मिक्स मिनरल्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। ठीक है, आप ट्रेड डेफिसिट देखो चाइना के साथ, 2023-24 में इंडिया बोट मोर गुड्स फ्रॉम चाइना देन इट सोल्ड, डेफिसिट हो गया $85 बिलियन का। रशिया के साथ भी वही, ये सब रशिया के साथ इतना ट्रेड डेफिसिट है, हांगकांग के साथ, कोरिया के साथ, पूरे नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। विद यूएस, इंडिया सोल्ड मोर टू यूएस देन इट ब्रॉट फ्रॉम देयर, तो वहां सरप्लस रहा है ऑफ $36.7 बिलियन का। नीदरलैंड्स के साथ भी सरप्लस रहा है,
यूके, इटली, बेल्जियम, फ्रांस के साथ भी। इंडिया का स्पेशल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है विद फोर कंट्री, सिंगापुर, यूएई, कोरिया, इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हो आप। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल के ऊपर, दैट डील्स विद फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स विल बी कन्वीन फ्रॉम 27th of May टू 30th of May। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ग्रुप ऑफ 39 मेंबर कंट्रीज, 18 एसोसिएट मेंबर्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। स्मॉल साइज की वजह से दीज कंट्रीज आर फेसिंग यूनिक चैलेंजेस, अपनी लोकेशन की वजह से ऑन आइलैंड एंड देयर वल्नरेबल एनवायरमेंट की वजह से। सो ये जो मेंबर कंट्रीज हैं, दे आर इन थ्री मेन रीजन्स, कैरेबियन, पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी। ठीक है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, डोंट वरी। 39 स्टेट्स, 18 एसोसिएट मेंबर्स, थ्री जियोग्राफिकल रीजन्स, एंड दे आर रिकॉग्नाइज एज स्पेशल केस बोथ फॉर देयर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ दी चैलेंजेस इन देयर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट। राइट, दे हैव लॉट ऑफ ओशन टेरिटरी, है ना, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जब हम बात करते हैं। और दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? देखो, टूरिज्म पे ही मेनली डिपेंड करते हैं, रेमिटेंसेस पे। हाई वल्नरेबिलिटी बहुत है, देर इज लो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, टूरिज्म पे डेवलप बहुत है, हाई डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस, टूरिज्म। एंड फ्रॉम फॉर मेनी ऑफ दीज मेंबर कंट्रीज द मेजॉरिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज दे हैव एक्सेस टू कम फ्रॉम द ओशन। और दिस मेक मनी मोस्ट फ्रॉम द टूरिज्म, दिस बाय सेलिंग रॉ मटेरियल्स दैट कैन गो अप एंड डाउन ऑल्सो अलॉट। तो वहां बहुत दिक्कत होती है, इट इज वेरी हार्ड फॉर देम टू प्लान टू मैनेज देयर इकोनॉमी। जब टूरिस्ट कम है तो बहुत दिक्कत होती है, समटाइम्स दे हैव अ लॉट ऑफ डेट, डेट स्ट्रेस होता है। अब उनका क्योंकि मेजर रिसोर्स आता है ओशन से, सो प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग दीज ओशन रिसोर्सेज इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम, है कि नहीं? तो ये सारी बातें हैं। अभी रिसेंटली देर विल बी अ मीटिंग दैट विल बी कन्वीन ऑफ दीज मेंबर स्टेट्स। अब जब बात कर ही रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इन दी वर्ल्ड्स इकोनॉमी, अगर, मैं नहीं कह रही हूं, एक स्टडी कह रही है कि अगर वी हैडन्ट हैड ग्लोबल वार्मिंग सिंस 1960, डू हैव पेन एंड पेपर विद यू, वर्ल्ड की इकोनॉमी वुड हैव बीन मच स्ट्रॉन्गर टुडे। और अगर हमने एक्ट नहीं किया ना इस चीज पे, तो लोगों की इनकम इट विल ड्रॉप अ लॉट इन द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। आज वर्ल्ड की जीडीपी वुड बी 37% हाइयर टुडे विदाउट ग्लोबल वार्मिंग सिंस 1960, ऐसा लगा लो। क्लाइमेट चेंज के चलते हाउ इट इज अफेक्टिंग, मतलब द शिफ्टिंग पैटर्न्स। देखो, कुछ चीजें हैं। पहले तो ना, जब क्लाइमेट चेंज से डील करने की बात आती है, एफर्ट्स आ रहे हैं अबाउट मिटिगेशन, लाइक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करो, ठीक है, लेकिन वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन एडाप्टेशन, मतलब गेटिंग रेडी फॉर द चेंजेस एज वेल दैट आर ऑलरेडी हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एडाप्टेशन नीड्स मोर अटेंशन। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, इट्स अबाउट मेकिंग श्योर कि हमारी जो इकोनॉमी है इट ऑल्सो कीप्स ग्रोइंग एंड पीपल कैन कीप लिविंग वेल ऑल्सो।
इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू कीप आर इकोनॉमी स्ट्रांग एंड हेल्प पीपल लीव बेटर लाइफ ऑल्सो इन द फ्यूचर एज वेल. देखो क्लाइमेट चेंज, हाउ क्लाइमेट चेंज इज चेंजिंग द ग्लोबल इकोनॉमी. आपका सबसे पहले तो एग्रीकल्चर, जो जगह यूज टू बी गुड फॉर फार्मिंग दे माइट नॉट बी एनी मोर बिकॉज ऑफ थिंग्स लाइक ड्रॉट्स एंड एक्सट्रीम वेदर्स. एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है. दूसरा, रिसोर्स प्रॉब्लम्स. कंट्रीज जैसे अफ्रीका वाली हैं, वाटर लेवल्स पे देर इज अ ग्रेट मेस. सो कंट्रीज लाइक अफ्रीका दे आर आर्ग्यूइंग ऑन नाइल रिवर. अब क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ जगहें बिल्कुल रहने लायक नहीं बची हैं, तो माइग्रेशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है. आर्कटिक आइस मेल्ट कर रही है एंड इट इज ओपनिंग अप न्यू शिपिंग रूट्स, एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज. इसके चलते क्या हो रहा है, देयर इज अ इकोनॉमिक रेस अमंग द नेशंस. रशिया इज इन्वेस्टिंग इन डेवलपिंग इट्स नॉर्दर्न सी रूट फॉर कमर्शियल शिपिंग. चाइना इंडिया आर एक्सप्लोरिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन दिस रीजन. तो ये भी एक शिफ्ट आप देख सकते हो. क्लाइमेट इंड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं कितने, सप्लाई चेन में डिस्रप्शंस होना. तो ये सारी दिक्कतें हैं. क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे कैसे हो रहा है, ये पॉइंट्स लिखते जाओ प्लीज. इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी. जब एग्रीकल्चर इंपैक्ट हो रहा है, फार्मिंग कम होगी, भुखमरी ज्यादा होगी. यू आर मेसिंग अप विद द क्रॉप ग्रोथ. इट इज द फर्स्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यील्ड विल बी रिड्यूस्ड. लोअर यील्ड होगी, इन्फ्लेशन फिर होगी अर्बन एरियाज में, ठीक है. फिर उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर में सेटबैक. इट विल मेक मोर एक्सपेंसिव टू रन फैक्ट्रीज एंड बिजनेसेस. न्यू रूल्स आएंगे टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, दे माइट मेक थिंग्स हार्डर. Then you have infrastructure damage. Bade bade storms, heat waves, they damage roads, buildings. Hai ki nahi? Floods in India have caused billions of dollars in damage over the last few years. People can't work properly. Labor market supply mein bhi dikkatein aayengi. Bahut garmi hogi, hawa saaf nahi hogi, people can't work well. बीमार हो जाओगे, काम कैसे करोगे. इट विल इफेक्ट मिलियंस ऑफ जॉब्स बिकॉज ऑफ इट. इतने बड़े बड़े स्टॉर्म्स आएंगे, सो इट विल बी हार्ड फॉर बैंक्स टू गिव आउट लोन्स फॉर बिजनेसेस ऑल्सो टू पे देम बैक. वहां मैसअप होगा. जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो स्टील बना रही है, इलेक्ट्रिसिटी है वाली है, दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन. वी कैन फिक्स सम ऑफ देम, बट सम इंडस्ट्रीज आर वेरी स्टिल हार्ड टू क्लीन अप, है कि नहीं. ये सारी इकोनॉमी से में डिस्ट्रप्शंस होंगी. वट एल्स डू यू थिंक, वट कैन वी डू, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. ठीक है, इस सेशन के लिए इतना ही. दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू.